आप तो जानते हैं कि जी न्यूज 25 सालों से आपका और आपके परिवार का ख्याल रखता आ रहा है। कोरोना काल है, अब ऐसे में आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा और आपका नैतिक दायित्व है। हमारे देश का योग 6000 साल पुराना है। आपकी सुबह सेहतमंद बनाने के लिए हमने हर दिन आपको योग सिखाने की परंपरा की शुरुआत की है और आज योग गुरु बाबा रामदेव आपका दिन बनाने वाला योग आपको सिखाएंगे। अब उल्टे लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। अब आप मुझे देखना, जहां जगह है वो लेट जाएंगे, बाकी कपाल भाति और अनुलोम विलोम कर लेंगे। ये तो सब कर सकते हैं ना। तो अभी आप 5 मिनट कपाल भाति कीजिए और आगे आगे खिसक जाइए। अब आप लोग बैठिए और योग का प्रोटोकॉल, गुरु और शिष्य में कोई भेद होता ही नहीं है, हम तो एकत्व के उपासक हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्माए भूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत। तो मैं कर रहा हूं उसको, तो आप रोज कर ही रहे हैं, तो आप कपाल भाति कीजिए और मैं योग के प्रोटोकॉल को पूरा कर देता हूं। सभी कपाल भाति रिदम के साथ करेंगे और योग के प्रोटोकॉल में उल्टे लेट करके बकरासन, फिर भुजंगासन, दोनों हाथ की कोनिया पार्श्व भागों से सटी हुई। आप कपाल भाति निरंतर करते रहिए और आगे बढ़ जाएं सभी एक दूसरे के पास। फिर प्राणायाम और ध्यान का सभी सामूहिक अभ्यास करेंगे। ये भुजंगासन बहुत ही उपयोगी है कमर के लिए, पीठ के दर्द के लिए, बैकएक के लिए और ओबेसिटी के लिए भी। भुजंगासन के बाद शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते हैं थोड़ी जमीन पर और पीछे से पैरों को उठा देते हैं। सीधे लेट करके सेतु बंधासन, कंधरासन भी इसको कहते, बीच से उठा दिया। ये पीठ के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को सीधा करके 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके रोक करके रख देते हैं। ये पेट के नाभि के लिए, धारण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उत्तान पादासन। फिर पैरों को ऊपर उठा दिया 90 डिग्री पर, अर्धहलासन नीचे ले आई और पवन मुक्तासन। घुटनों से पैरों को मोड़ा, घुटनों को छाती से लगा दिया, सिर उठा करके नासिका को लगा देते हैं घुटनों से। और अंत में शवासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, पूरा देह शिथिल, स्वयं को शिववत और देह को शववत अनुभव करना। हम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन हमारे साधन है, हम इनके स्वामी हैं। आत्मा नमरथनम विद्धि शरीर अमृतमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। ऐसे देह को साक्षी भाव से देखना और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, जहां ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सुख की, शांति की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की, दिव्यताओं की पूर्णता है, अपनी इस निजता में अवस्थित हो जाने। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.